मैं ईद पर सियालकोट में आया हुआ हूँ, यहाँ पे टिक टाकर की भरमार, आइए इनसे मिलते हैं। आइए पहले टिक टाकर से मिलते हैं। हेलो, कैसे हो? इधर आओ जी। मेरा नाम उस्मान है और सियालकोट का मैं रहायशी हूँ। तो जैसे ईद की छुट्टियाँ थी तो मैंने सोचा कि टिक टाक ही बना लेना, तो टिक टाक बनाने आए हैं। तो आज मौसम काफ़ी सुहा रहा है, मैं भी इन भाई के साथ आया हूँ। टिकटॉक मैं सोचा ईद की छुट्टियाँ तो इन्जॉय कर लें थोड़ा सा, टिकटॉक बना। आज इनका इम्तिहान है लाइफ के, क्या बनाते हैं देखते हैं। ये तो बड़ा मजा आया, ये बेवकूफ बनाते हैं। यहाँ पर लगता है कि टिकटॉकर की ईद हो रही है। देखते हैं ये सब लोग एक बिल्डिंग पे क्या कर रहे हैं। जी टिकटॉकर, आप मुझे कुछ दिखाएं तो सही, आपने क्या टिकटॉक में बनाया हुआ है? ये हमने एक दो वीडियो बनाए हैं, ये देखें आप। हाँ जी, अभी पूछते हैं टिकटॉकर से, आपको टिकटॉक से क्या मिलता है? टिकटॉक से फेम मिलता है, पैसे मिलते हैं, फिर उसके बाद लाइक्स, व्यूज, वो सारी चीज़ें। और हमें उधर से पता चलता है कि कैसे हम इधर कहीं दूसरी मिल जाएंगे, इधर हमें कैसे सब करेंगे। आपका टिकटॉक पे कितना खर्चा होता है जी, कपड़े लेने में, शर्ट लेने में? हमारा महीने में हो जाता है 10-12 हज़ार में, सेल्फी स्टिक और मोबाइल का भी खर्चा, बैलेंस वगैरह इंसानों को डाल के जाओ। इस बिल्डिंग के पीछे आपको क्या लग रहा है, हर बच्चे इस बिल्डिंग के पास आया हुआ है? पिक्चर में भी बैकग्राउंड वगैरह अच्छा आ जाता है, वीडियो में भी बैकग्राउंड अच्छा आ जाता है, वीडियो ज़्यादा फेमस जाती है, बैकग्राउंड वगैरह सब अच्छा होता है। अच्छा, वीडियो में बैकग्राउंड तो बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। देखते हैं कि ये किसने पहना क्या हुआ है, उसकी कपड़े क्या, इसका बैकग्राउंड क्या है, देखता को ना, लड़के देखते आपको कैसे पता चलता है देखना है या क्या होता है? टिकटॉक में जाके सब कुछ देखा जा सकता है कि आपकी वीडियो कितनी देर देखी गई या किन बंदों ने देखा। कैसे शौक पड़ा इस चीज़ को बनाने का? शुरू में साहब ऐसे ही शोर पड़ा था कि एंटरटेनमेंट है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था कि यहाँ पे बंदा अपना शो करे सब कुछ, मगर ये टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बंदा अपना टैलेंट शो कर सकता है। बहुत मज़ा आ गया था, डायलॉग, गाना वगैरह, सॉन्ग, हर चीज़। तो अपना भी गाना गाते हैं या खुद कॉपी करते हैं? कॉपी करते हैं, लिपसिंक करते हैं। सियालकोट का घंटाघर और टिकटॉकर की भरमार, आइए देखते हैं।
देखते हैं ये टिकटॉकर क्या कर रहे हैं। घंटा घर में ये टिकटॉकर इस तरह इकट्ठे हुए हैं जिस तरह शहद की मक्खियां। आज की एपिसोड आपको कैसी लगी? आपने सब्सक्राइब करना है और लाइक्स करना है और कमेंट्स तो ज़रूर देंगे कि सियालकोट के टिकटॉकर क्या हैं।